one more building for quarantine center. That's Sejusa. This is the quarantine center at West Bank. And this hall belongs to the forest department. These are the facilities provided to be provided for the people who will be quarantined here at West Bank Sejusa. View of quarantine center at Sejusa. Here we have Dr. Jirdo, madam. Madam, आप ये post lockdown का बाद में यहाँ में जो जितना भी जो students जो बाहर से आएगा उनको आप यहाँ में quarantine करेंगे तो उनके लिए उसके लिए आपने क्या preparation करके रखा मैडम? अभी फिलहाल जो हम लोग जहाँ पे खड़ा है ये तो medical staff के लिए हो जाता है, ये medical और nurse के लिए. और आप पहले देख चुका होगा जहाँ पे जो students है उसको स्ट्रेंडेड स्टूडेंट्स को यहाँ पे हम लोग एकोमोडेट करने के लिए फैसिलिटीज अभी कर लिया है, सिलेक्टेड कर लिया. अभी फिर और भी करना बाकी है. यहाँ पे हम लोग एक फॉरेस्ट आईडी को हम लोग स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ने सिलेक्ट किया हुआ है इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन के लिए. तो अकॉर्डिंग टू हम लोग के तीन जोन जहाँ से स्टूडेंट्स आने वाले हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करने वाले हैं कि कौन से स्टूडेंट को कहाँ रखेंगे. तो हम लोग ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ग्रीन जोन और रेड जोन और ऑरेंज जोन से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा एक्सपोज नहीं करें. ग्रीन वाले को भी हम लोग सेफ, उनको भी सेफली हम रखना चाहते हैं. तो आपने देखा होगा ये फॉरेस्ट आईडी हम लोग जो है उसमें हम लोग ने सिलेक्ट किया हुआ है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए. और ये अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये मेडिकल स्टाफ के लिए है. मेडिकल एंड नर्स भी यहाँ पर हम लोग मौजूद रहेंगे उन लोगों को देखभाल करने के लिए. थैंक यू. ये हम लोग का पक्के टाइगर रिजर्व का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है. तो इसको हमने आइडेंटिफाई किया है जो बाहर स्टेट से जो भी आने वाले हैं, स्टूडेंट्स हो या बाकी फैमिली अदर जो भी मेंबर्स है, तो उनको हम यहाँ पे क्वारंटाइन करेंगे. और यहाँ पे दो हॉल्स है और हम लोग का पीडब्ल्यूडी का सर्किट हाउस है. और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं पूरा इंडिविजुअली अरेंजमेंट है और फूडिंग भी इधर होगा. और जैसे ही आएगा सबसे पहले उन लोगों को पीटीसी में भेजा जाएगा, जैसे कि हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है. तो पीटीसी में फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग होगा, तो वहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे उन लोग 14 डेज का जो मैंडेटरी क्वारंटाइन होगा. सर, अभी आपके पास में पोस्ट लॉकडाउन में ये क्वारंटाइन में जो बच्चा लोग रहेगा उनके लिए सर जो फंड है क्या अवेलेबल है सर आपके पास में? फिलहाल अभी तक तो हमको गवर्नमेंट से नहीं मिला है, तो लोकली हम लोग अरेंज कर रहे हैं. और जरूर गवर्नमेंट जो बाद में कुछ फंड प्रोविजंस देगा होगा. तो सर, और आपसे हम जानना चाहेगा यहाँ में कितना लोगों के लिए सर अपने क्वारंटाइन सेंटर जो बेड्स तैयार करके रखा सर? ये फॉरेस्ट गेस्ट हाउस और हमारा पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस दोनों को मिला के अभी तक हम 20 इंडिविजुअल बेड्स तैयार कर रहे हैं. और अगर ज़रूरी पड़ा तो हम लोग का यहाँ पे एक हॉल है, तो हॉल में हम लोग को वहाँ पे मैट्स ये सब अरेंज करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं. और वो भी सामान ऑलमोस्ट रेडी है, जैसे ही ज़रूरी पड़ता है उसको भी हम बना लेंगे. थैंक यू सर. हमारे साथ में पके वाले टाइगर सेंचुरी का देफो थानाथप्पी जी हमारे साथ में है, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपना वेस्ट विंग में जितना भी जो बिल्डिंग्स है उसको उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए परमिशन दिया है. चलिए उनसे जानते हैं उन्होंने कितना बिल्डिंग दिए हैं क्वारंटाइन सेंटर के लिए. क्वारंटाइन सेंटर के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डॉर्मेंट्री 8 बेडेड एक डॉर्मेंट्री दिया एंड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस 4 बेडेड, उसके बाद 2 कॉटेज VIP कॉटेज दिया है. तो ऑल टुगेदर 14 आदमी को एकोमोडेट कर पाएगा. तो देखो साहब, अभी आपका यहाँ में पोस्ट लॉकडाउन में यहाँ में क्वारंटाइन सेंटर बनाएगा तो आपका स्टाफ को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा?
ऐसा प्रॉब्लम तो पॉजिटिव केस नहीं होगा तो ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ का जो क्वारंटाइन सेंटर है उसको आपने सैनिटाइज करने के लिए लिखा है ना, कर दिया उन लोगों ने? अभी करेगा वो तो 16 ऐसा में तो करने का तो बात था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, अभी सैनिटाइज करेगा। थैंक यू सर।